अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज्जत ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखें, हफ्सा के लिए लेके आ गए कुछ मिट्टी के बर्तन। तो बस गर्मियाँ आती हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है मिट्टियों के बर्तन में पानी पीना या फिर दही खाना। तो मगर हफ्सा ने बोला कि मैं तो इसमें चाय पीऊँगी, तो देखें वो लेके चाय बैठ गई है कि मुझे इस मिट्टी वाले बर्तन में वो वीडियो वगैरह देखती ना, मुझे इसमें चाय पीना है। ये देखिए मीम कितनी गंदी बच्ची है, सही से साफ कर रही है। ये वाला कपड़ा ये इससे पकड़ने साथ होने के बावजूद रोजी नहीं साफ करती है, कोई मुंह गंदा कर लेती है। और यूट्यूब भी खा रही है, खा चुकी है। चाय पीने जा रही है, चाय पीने जा रही है। और अपने इसका कमेंट कर ये रोज आना। देखिए इसमें ऐसे एक बैग चश्मा बनवाई थी ना, उसमें जो बैग में डाल के दिया था, अच्छा पैसे भी नहीं लेता बच्चा। जब भी चश्मे में कोई छोटा मोटा काम निकलता है मैं उसे बना लेती हूँ, मगर बहुत अच्छे से बना के देता है और एक रुपया भी नहीं लेता है। मैंने सारी चाय करा दी जब किसी काम से। अच्छा, और ये देखिए साथ साथ लगे चाय, मैंने बहुत तंग कर दी, बहुत काम कुछ नहीं बोलो, काम बढ़ाने बोल दो। देखिए मरियम को भी आ गया बनाने, है ना मरियम, आपको भी आ गया ना बनाने, बनाइए, है ना। अब मरियम दिखाएगी मिशिकरा को, मिच्छबीन को, देखें मुझे भी काम करना आता है ना। मरियम भी डिज़ाइन बना लेगी ना, अभी आप लोगों को भी दिखाएगी कि मरियम कैसे डिज़ाइन बनाती है। देखिए मरियम ने खुद ही सीधा किया है, सीधा खुद किया है ना बाबा आपने। आप देखिए नीचे डिज़ाइन बना रही है, दिखाओ कैसे डिज़ाइन बना, नीचे से दिखाओ, नीचे वाला। ये देखिए मोड़ मोड़ के हफ्सा ने सिखाया है इसको, ऐसे मोड़ मोड़ के डिज़ाइन बनाओ, वो बना रही, बनाइए बनाइए, जब बन जाएगा तो फिर है दिखाइएगा आप, हैं। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। क्या बोल रही हैं, नीचे वाला छीदा नहीं हो रहा है, तो नीचे से तो आप डिजाइन बना रही है ना, तो बस छीदा क्यों करना है उसको, वो तो डिजाइन है ऊपर, अब बस ही डिजाइन बनाइए, हैं, सही है, शाबाश। इधर देखो मोटू, मजा आया है, इधर इधर बाल धुला के मजा आया, अच्छा लगा। तो चीखी हो रही थी ऐसे, हैं, चुड़ैल चुड़ैल देख ली थी, ए मोटू चुड़ैल देखी थी, गंदी बच्ची बिल्कुल शरारती बदतमीज। अब अगली दफा जब ये चीखेगी ना इसको ऐसे धक्का दे देना, खुद ही चुप हो जाएगी, ठीक है, इंतजार नहीं करना मामा बोलेगी तो बस। जहाँ ये चीखी इतने गर्मी, या तो तू गंजी हो जाओ ठीक है, या फिर हर हफ्ते में दो तीन दफा बाल धुलवा लो, समझी, गंजी होगी या बाल धुलवाओगी। इधर देखो, इधर इधर जल्दी बताओ, मेरी तरफ देखो, गंजी होना है बाल धुलवाना है, क्या पूछ रही हो, बोलो जोर से, हैं, ऐसे चीख के गधे की तरह ऐसे से चीखे। आपने क्या बोला, पानी पीना, नहीं नहीं पहले बोली क्या, भाई मुझे छोड़ के नहीं जाना, ये बोली ना, ऐसे चीखी दिए थे ना, पागल पागल मरियम। वीडियो जल्दी से ऑन हो जाओ ना, ये बोली थी, ये मोटू पतलू जल्दी से ऑन हो जाओ, वीडियो ऑन हो जाओ। देखिए लाइट गई भी है और मरियम का कार्टून बंद हो गया, लैपटॉप पे मारने लगा दिया, तो मरियम बैठे बैठे बोल रही है, क्या बोल रही है फिर से बताओ, क्या बोली थी, इधर मुंह ऊपर उठा के बोलो, क्या बोल रही थी, जल्दी से बोलो, लाइट ऑन हो जाओ, बोलो छोड़ो बोलो मोमो। देखिए मरियम ने आप लोगों के सामने वादा किया है कि मरियम बाल धुलवाएगी, गंजी नहीं होगी, है ना, है ना, जब मामा बोलेगी कुछ लेट के धुलवा लोगी ना, हैं, कभी मामा नहला देगी। ये देखिए आपको एक चीज दिखा रही है, ये देखिए अभी मैंने सफाई की थी ना, और ये देखिए ये चूहिया खा रही है पूरा, और क्या खा रही है आपको दिखा रहे हैं, ये डब्बा वो तो शिकायत है, मैंने अंदर से इसमें शॉपर लगाया हुआ है, ये देखिए ये शॉपर को भी चूहिया ने खा लिया,
और खा के अब दाल तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। और माशाल्लाह से हमारे फ्लोर पे इतने अच्छे लोग रहते हैं, देखिए लाइट आए हुए 15 मिनट तो हो चुका है अभी तक और जनरेटर की आवाज़ तो वाजे आ चुकी आ रही होगी आपको। तो जनरेटर चलता रहता है ऐसे ही, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दफ़ा लाइट आके दोबारा चली भी जाती है और माशाल्लाह जनरेटर चलता रहता है, क्योंकि उनको उससे कोई मसला नहीं है ना, मसला हमें होता है, हमें शोर सुनना पड़ता है, हमें बदबू बर्दाश्त करना पड़ता है, हमें कोड़ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्यों जनरेटर बंद करें, तो ये देखिए ठीक है ना कितना काम किया हुआ है। अब मेरा दिल इतना ख़राब होता है ना, कितने बड़े बड़े सुराख हैं और पीछे दीवार है। अब ये बताएं इतनी पतली सी है, इसको चाहिए क्यों ना काटेगी, तो बस क्या बोले, जिन्होंने ये सब कुछ किया है ना उनके लिए दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं, मेरे पास इतने काम होते हैं और उसमें ये सब काम फैलता है, ऐसा मेरा दिल खराब होता है ना कि क्या करूं। सब क्या कर सकते हैं कि बाज़ लोग होते ही ऐसे हैं जिनको आदत होती है दूसरे जो है ना तकलीफ़ में रहे तो वो खुशी महसूस करते हैं, तो उनको दूसरों को तकलीफ़ दे के ही खुशी मिलती है। तो बस ऐसी ज़िंदगी अभी कट रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।